अस्सलाम वालेकुम, मुझे फसी खान कहते हैं और आप देख रहे हैं यूट्यूब चैनल फसी दुबई। दुबई सब लोगों को अपने चैनल पे एक नई वीडियो के साथ वेलकम करता हूं। आज जैसे कि आप लोगों को फ्लैग नज़र आ रहा है वीडियो में, आज हम डिस्कस करेंगे ऑस्ट्रेलिया के ई वीज़ा के बारे में, विज़िटर वीज़ा के बारे में, टूरिस्ट वीज़ा के बारे में। तो स्टे कनेक्टेड और एंड तक वीडियो कर देखें सो दैट आपको पॉइंट टू पॉइंट सारी चीज़ें समझ आ सकें। सो जनाब, हम डिस्कस करने वाले हैं विज़िटर वीज़ा के बारे में, ऑस्ट्रेलिया से रिलेटेड उसके कुछ फ़ीचर्स हैं, ठीक है, जो मैं आप लोगों के साथ शेयर कर सकूं। और आप लोगों को स्क्रीन पे भी नज़र आ रहा होगा जो ई वीज़ा एक्चुअली हिट होता है और एक्चुअल जो उसकी कॉस्ट है वो है 90 US डॉलर्स। अब वो आप पाकिस्तानी हैं, इंडियन हैं, तो अपने अपनी करेंसी में उसको चेंज कर दें। और प्रोसेसिंग टाइम पीरियड जो इमिग्रेशन से होता है वो 28 डेज़ का होता है। और एक विजिटर वीज़ा पर आप मैक्सिमम स्टे कर सकते हैं 12 मंथ्स का, जिसमें एक सिंगल स्टे जो आपका होता है वो 3 मंथ्स का हो सकता है, उससे ज़्यादा एक्सीड नहीं कर सकता। अब ये तो इसके की फ़ीचर्स हो गए, ठीक है, कि किस किस तरीके से आप कर सकते हैं, इस पर काम नहीं कर सकते, ट्रेनिंग ले सकते हैं, कुछ कोर्सेज कर सकते हैं, स्टडी कर सकते हैं 3 मंथ्स के, बट उससे ज़्यादा नहीं कर सकते। अब जो मेन चीज़ आती है कि इसको अप्लाई करने का क्राइटेरिया क्या है और किस तरीके से आप कर सकते हैं, ठीक है, वो अब सुनने वाली बात है और समझने वाली बात है, ठीक है, कि उसको किस तरीके से एक बंदा प्रोसीड कर सकता है, ठीक है। तो वो आगे मैं आप लोगों को बताता जाऊँगा कि क्या क्या चीज़ इंपॉर्टेंट है। चैनल अगर आप लोगों ने सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल को सब्सक्राइब करें, ठीक है, वीडियो को लाइक करें और शेयर करें। तो आगे देखते हैं कि आगे हमारे पास इससे रिलेटेड क्या क्या ऑप्शन हैं, क्योंकि काफ़ी सारे लोग जब अपने कंट्री से, पाकिस्तान से या इंडिया से बाहर जाना चाहते हैं तो उनके माइंड में बहुत बड़े बड़े प्लान्स होते हैं, बहुत बड़े बड़े कंट्रीज़ होते हैं, बट उनसे रिलेटेड उनको चीज़ें, विजन्स उनके क्लियर नहीं होते, ठीक है, कि क्या करना है और क्या नहीं करना, किस तरीके से करना है और किस तरीके से नहीं करना। तो जो सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है वो ये है कि किसी भी कंट्री में जाने के लिए आपको उसके फेमस लैंडमार्क्स और ट्रैवल ऑफ पर्पज़ ऑफ ट्रैवल आपको पता होना चाहिए कि आप क्यों जा रहे हो, ठीक है, या उसको मेमोराइज़ कर लो, जान लो कि किस किस तरीके से कहाँ कहाँ पे आपने जाना है। कुछ 4, 5, 6, 7 लैंडमार्क्स को और फेमस जगहों का आपको पता होना चाहिए उस कंट्री में, वो जो कि आपको ई वीज़ा देते वक्त भी आपसे पूछा जा सकता है और आपको इमिग्रेशन क्लियर करते टाइम एयरपोर्ट पर भी पूछा जा सकता है। आपके पास पैसे काफ़ी होने चाहिए। अब पैसे काफ़ी का क्या मतलब है, कितने होने चाहिए, ये एक और क्वेश्चन आ सकता है कि कितने पैसे होने चाहिए। अगर आप एशियन हैं, अफ्रीकन हैं और अरब कंट्रीज हैं तो आपके पास एटलीस्ट 5,000 US डॉलर्स होने चाहिए, ठीक है। अब 5,000 US डॉलर्स को आप अगर पाकिस्तानीज में कन्वर्ट करो, इंडियन INR में अगर कन्वर्ट करो, तो आपको अपने अपने कंट्री का कन्वर्जन रेट मिल जाएगा। तो वो एटलीस्ट आई थिंक 5,000 US डॉलर्स आपके पास होना चाहिए, जिसमें आप कवर करते हो आपकी रिटर्न टिकट, स्टे, ट्रैवल, फूड, जो शो कर सकते हैं कि आपके पास इनफ पैसे हैं वहाँ पे स्टे करने के लिए। और इसके अलावा जो आपके लिए सबसे इम्पॉर्टेंट चीज़ है, ठीक है, जो आपके प्रोफाइल को और विजिट वीज़ा जब आप अप्लाई करते हो उस टाइम जो सबसे ज़्यादा चीज़ मैटर करती है वो ये कि आपने शो कराना है, बताना नहीं है, ये कोई वर्ड्स नहीं है कि आपने बता देना है कि मैं जेन्युइन विजिटर हूँ और मैंने वापस आ जाना है। आपने अपना प्रोफाइल के थ्रू इस तरीके से बताना है, इस तरीके से शो करना है कि उनको हो कि यार ये बंदा वापस आ सकता है या वापस आएगा, जिसमें आपको विजिट वीज़ा लगने के चांसेस ज़्यादा हो जाते हैं। अब वो कैसे आप शो कर सकते हैं, या तो अगर आप बिज़नेस का प्रोफाइल बना देगा, आप बिज़नेस मैन हो तो आपने बिज़नेस शो कराना है और शो होना चाहिए आपका 4-5 साल पुराना, और हर मंथ के और हर ईयर के रिटर्न होने चाहिए, टैक्स पेयर्स आपको होना चाहिए, ठीक है। अगर आप जॉब करते हैं तो आपकी जॉब स्टेबल होनी चाहिए, अच्छी जॉब और अच्छी सैलरी होनी चाहिए, कंपनी अच्छी रिप्यूटेड होनी चाहिए, जिनको पता कि यार इसका अपना करियर है और इसने वापस आना है, इसने ट्रैवल टूर करना है। और इसके अलावा अगर आप बड़े कंट्रीज, जैसे आज हम ऑस्ट्रेलिया को डिस्कस करें, तो ऑस्ट्रेलिया जाने से पहले आपको छोटे मोटे आसपास की कंट्रीज़ को भी विज़िट कर लेना चाहिए और उनके विजिट्स के आपके स्टैम्प्स आपके पासपोर्ट में होने चाहिए, जो आपके केस को, आपके विजिट वीज़ा के अप्रूवल को ज़्यादा इनक्रेज करते हैं और ज़्यादा स्ट्रॉन्ग करते हैं, ठीक है, बजाय इसके कि आप अचानक से बिल्कुल वाइट पासपोर्ट लेके चले जाएं और बोलें कि मुझे ऑस्ट्रेलिया जाना है या कनाडा जाना है या न्यूजीलैंड जाना है, कि वो ऑफकोर्स वो आपसे पूछ सकते हैं कि आप करीबी कंट्रीज़ में क्यों नहीं जाना चाहते हैं। अब डायरेक्ट मिल सकता है, लेकिन उसमें चांसेज ऑफ रिफ्यूज़ल बहुत ज़्यादा होते हैं। और फिर ट्रैवल इंश्योरेंस आ जाती है, जो कि ऑलमोस्ट किसी भी ट्रैवल पर्पज़ के लिए यूज़ कर सकते हैं और होती हैं, ठीक है, छोटे मोटे कंट्रीज़ में जाने के लिए, बड़े कंट्रीज़ में जाने के लिए ट्रैवल इंश्योरेंस रिक्वायर्ड होती है और यूज़ होती है। तो अब मैं नेक्स्ट आपको बताऊंगा कि आप इसमें क्या क्या डॉक्यूमेंट्स किस किस तरीके से ऐड कर सकते हैं। ये पार्ट वन था, ठीक है, जिसमें मैंने आप लोगों के साथ शेयर किया कि कौन किस तरीके से और बेसिक क्या क्राइटेरिया है एलिजिबिलिटी का। अब नेक्स्ट इसको अप्लाई कैसे करना है और कौन कौन से कंट्रीज़ के लिए कौन कौन से टाइप का विजिट वीज़ा है, वो नेक्स्ट वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। तो टिल देन स्टे ट्यून्ड,
वीडियो को लाइक करें अगर आपको पसंद आई। कोई भी क्वेश्चन क्यूरी है नीचे कमेंट में मेंशन करें, ठीक है, पूछ सकते हैं आप, और चैनल को सब्सक्राइब करें और वीडियो को फ्रेंड्स के साथ ज़रूर शेयर करें। टिल देन टेक केयर, बाय, अल्लाह हाफिज़।